तो देखिए अभी हम लोग मशीन में कैसे सेटअप होता है एक्चुअली हम लोग करेंगे। तो मशीन में कैसे सेटअप होता है, सेटअप करने के लिए पेज नंबर 2 जाना पड़ेगा। ये मेन पेज है, तो फंक्शनल पेज जाने के लिए एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 लिखा है, तो ये पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे मेनू है F1 के ऊपर। तो मेनू जाएंगे। मेनू जाने के बाद यहाँ पे देखिए एसओ मतलब स्टेक आउट। ओके, तो मेनू अंदर जाके हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो मेनू जाके हम लोग करेंगे, और ये ऑफसेट टोपोग्राफ, ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो हम लोग अभी एसओ के ऊपर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो मैं अभी एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन चार ऑप्शन आ रहा है। ये OCC ओरिएंटेशन मतलब अगर स्टार्टिंग से मशीन अगर सेटअप नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से मतलब सेंटरिंग डेवलपिंग करने के बाद जाके हम लोग सेटअप मशीन को सेटअप कंप्लीट कराने के बाद जाके हम लोग एसओ मतलब स्टेकआउट कर सकते हैं। ये जो ऊपर ऑप्शन है, ये ऑप्शन के थ्रू ये काम होता है। नीचे क्या है ना, ऑलरेडी हम लोग जो डाटा सब ले चुके हैं उसी डाटा को रेफर्स करते हुए अगर हम लोग स्टेकआउट करेंगे मतलब पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, ये जो स्टेकआउट डाटा के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन और EDM इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट, ये एक अलग ऑप्शन है। तो बेसिकली हम लोग इसमें करेंगे। अभी हम लोग का रीडिंग हम लोग ले चुके हैं और मशीन भी सेटअप हुआ है। देन उसके बाद अभी एसओ जो लाइन है, एसओ लाइन हम लोग उसके ऊपर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए लोड ऑप्शन आ रहा है, तो ये लोड ऑप्शन जाके हम लोग पॉइंट को लोड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो देखिए लोड ऑप्शन जाएंगे, लोड जाके मान लीजिए कि हम लोग 4 नंबर या 5 नंबर पॉइंट को ढूंढना चाहते हैं, 5 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, एरिया को ढूंढना चाहते हैं। तो इसीलिए ये 5 नंबर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ एंगल आएगा, एंगल को 0 करना पड़ेगा। तो अभी ये जो डिस्प्ले बटन है इसको प्रेस करते हुए अभी हम लोग एंगल को, तो देखिए ऐसे डिस्प्ले यहाँ पे ऐसे प्रेस करके हम लोग कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करेंगे, हम लोग एंगल को 0 करना है, मतलब ये जो ओके प्रेस करना है। पॉइंट लोड करने के बाद हम लोग ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो एंगल, देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा हूँ तो एंगल चेंज हो रहा है, ये जो L लिखा है। ओके, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है देखिए L मतलब लेफ्ट साइड को मशीन को घुमाना पड़ेगा। ये जो एंगल है, ये एंगल को पूरा 0 करना पड़ेगा। 0 करने के बाद मतलब उसी सीधे से कहाँ पे पॉइंट है। ओके, ऐसे करके हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखिए ये साइड घट रहा है, तो वैल्यू ऐसे पूरा ऐसे हम लोग घुमा के मशीन को पूरा ये जो एंगल है एंगल को 0 करेंगे हम लोग। तो देखिए अभी एंगल 0 होगा। तो जब एंगल 0 होगा यहाँ पे देखिए ये जो वन साइड मतलब लेफ्ट साइड अभी ये एरो मार्क है, जब ये 0 हो जाएगा ये जो मतलब दोनों तरफ से एरो मार्क ये दिखाएगा। ओके, तो हम लोग करेंगे 0 अभी। तो देखिए यहाँ पे एंगल मैंने 0 कर दिया, और यहाँ पे देखिए दोनों साइड से एरो मार्क दिया हुआ है, तो ये एंगल 0 हुआ है। एंगल अभी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेंगे हम लोग, जो भी होगा ओनली वर्टिकल मतलब टेलीस्कोप को ऐसे ऐसे करके हम लोग पॉइंट मतलब कहाँ पे है पॉइंट को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ये टेलीस्कोप को प्रिज्म के ऊपर मतलब कोइंसाइड करके हम लोग रीडिंग देख के करेंगे कि कहाँ पे हम लोग का एरिया निकल रहा है। तो देखिए अभी ये यहाँ पे जो एंगल ये 0-0 आया, तो मतलब ये डिरेक्शन में कहीं पे भी पॉइंट है ना मुझे पता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दूर जाके एक प्रिज्म के थ्रू रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद जाके पता चलेगा कि हम लोग का जो एरिया, जो हम लोग 5 नंबर पॉइंट पुट किए हैं, 5 नंबर पॉइंट का एरिया कहाँ है हम लोग को पता चलेगा अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे पकड़े हैं, तो मैं अभी मशीन से रीडिंग लूँगा। रीडिंग लेने के बाद पता चलेगा कि ये पॉइंट उसी जगह पे है या कुछ मतलब पीछे होगा या राइट साइड में लेफ्ट साइड में, ऐसे अभी हम लोग को पता चलेगा। पहले मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो अभी मैं मेजरमेंट लूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेजर है अभी हम लोग साइड कर दिए, देन उसके बाद मेजर करेंगे।
तो देखिए मेजर करने के बाद मेजर आया। तो देखिए अभी यहाँ पे मेजर आने के बाद देखिए मशीन बोल रहा है कि बैक जाने के लिए बैक कितना ना 1 मीटर समथिंग, ये सब पॉइंट है, ये इतना पीछे जाने के लिए बोल रहा है, बैक लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग अभी बैक जाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग 1 मीटर मशीन में बोल रहा है कि 1 मीटर पीछे, तो अभी हम लोग 1 मीटर पीछे लेंगे, तो 1 मीटर पीछे हम लोग लेंगे। तो बस अभी ये 1 मीटर आसपास हुआ, देन फिर से हम लोग जाएंगे मेजरमेंट करेंगे, फिर से दिखाएगा कितना। तो देखिए फिर से अभी हम लोग प्रिज्म को 1 मीटर पीछे ले गए, ले देने के बाद अप्रोक्सीमेटली देन उसके बाद मेजरमेंट करेंगे F4 के थ्रू। तो अभी मेजरमेंट किया, मेजरमेंट नहीं आया, फिर से करना। तो अभी मेजर करूंगा साइड करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद अभी मशीन दिखाएगा कि कितना मीटर। अच्छा फॉरवर्ड कितना बोल रहा है, 133 mm फॉरवर्ड आने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 133 mm 0.133, मतलब 0.133 मीटर आगे आना है, फॉरवर्ड आना है। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड का सिंबल है, ओके। तो ऐसे करके फिर से प्रिज्म को फॉरवर्ड लाना पड़ेगा, मेजरमेंट करने के बाद पता चलेगा कितना। अच्छा ये देखिए यहाँ पे तो भी फॉरवर्ड मांग रहा है कितना, 0.054 मीटर, मतलब आसपास 50 mm के पास आगे आएगा, 50 mm आगे आएगा। फिर से हम लोग प्रिज्म को साइड करके फिर से मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग का पॉइंट मिल गया, क्योंकि 0.004 लिखा है, मतलब 4 mm है एरर में हम लोग को पॉइंट मिला। तो अभी मिल गया, मतलब उसी पॉइंट को हम लोग फिक्स करें, मतलब जो 5 नंबर पॉइंट को हम लोग ढूंढे थे अभी वो हम लोग को मिल गया। तो ऐसे करके हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनली देखिए ये जो हम लोग का पॉइंट अभी हम लोग को मिल गया, तो ये पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, ओके। तो ऐसे करके हम लोग लेआउट कॉलम पॉइंट भी, कॉलम पॉइंट लेआउट भी हम लोग दे सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो अभी आया रीडिंग, ये देखिए 4 mm के अंदर 0.004 mm आया, mm नहीं मीटर, 0.004 मीटर आया। तो ये बेसिकली क्या होगा, अगर 5 mm के अंदर अगर होगा तो ये जो एरो है ये एरो दोनों तरफ से दिखाएगा, देखिए ये दोनों तरफ से दिखा रहा है। तो ये 5 mm तक हम लोग कंसिडर करते हैं ऐसे। जय जगन्नाथ।